मैच के शुरू से एकदम डॉमिनेंट किया उसका गेम, जो आपका स्ट्रेटजी उस लेवल से कुछ अच्छा परफॉर्मेंस देगा क्या आपको ऐसे कोच? देखिए बंगाल की टीम थी, बंगाल टीम है, पिछले कई मैच से जीतती आ रही और बहुत ही अच्छी फॉर्म में थी, और ख़ास करके मनिंदर जिस फॉर्म में चल रहा था उसको रोकना सच में ही बड़ा मुश्किल था। लेकिन इसको रोकने के लिए हमारे कैप्टन सुनील और उसके साथ साथ अंकुश, पूरी टीम का जरूर रोल रहा लेकिन इनका बहुत बड़ा रोल था। कोई एक भी मल्टी पॉइंट रेट निकलती तो प्रॉब्लम आ सकती थी। लगातार सुनील का मैट पर रहना कंटिन्यू, वो हमारे लिए बहुत बड़े पॉजिटिव है। और उधर से टाइम पे जिस तरह उसने सुनील ने पूरी टीम को कंट्रोल करके डिफेंस को और रेड को चलाया, जिस तरह जिसकी जहाँ जरूरत थी वो चलाया, वही हमारा जीत का बड़ा कारण। अभी तक आपका टीम जो इस सीजन में अच्छा परफॉर्म किया है, जो आगे इसके लिए क्या स्ट्रेटजी? हाँ, अभी तक हमारी टीम बहुत अच्छा कर रही है। पिछले 4 मैच हमने विन किए हैं, लेकिन अगला मैच तेलुगु टाइटन के साथ हमारा, जिसमें बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कभी भी फॉर्म में आ सकते हैं। सुरजीत है, प्रवेश, अभिशाल भारद्वाज, रविंद्र पाल, सभी बड़े नाम हैं, तो मैच अच्छा होगा और हमको पूरी तैयारी करनी पड़ेगी। 2-3 दिन का हमारा बीच में रेस्ट है, तो प्रैक्टिस करेंगे, कोच साहब के साथ बैठ के स्ट्रेटजी बनाएंगे और उसी पर खेलेंगे। सुनील, आज के मैच की बात करी जाए तो आज ऐसी क्या स्ट्रैटेजी थी कि ना मनिंदर चल पाए, ना दीपक चल पाए, कोई भी आपके सामने कोई भी नहीं चल पाया लेकर, तो क्या ऐसा स्ट्रैटेजी था आज के मैच की? आज कोच साहब ने बताया था कि जो उनके तीनों रेडर हैं वो बोनस पे अच्छा खेलते हैं, तो हमको उनको बोनस पर नहीं जाने देना था और हम उसी पर खेले। हमने डिफेंस को आगे खिलाया और वो टच के उसे आए और हमने कैच किया। अंकुश और अर्जुन के लिए सेपरेट ट्रेनिंग है, मींस दे आर प्लेइंग वेरी वेल, दैट्स व्हाई। अंकुश अर्जुन बहुत अच्छे प्लेयर हैं, स्टार्टिंग से ही वो बहुत अच्छा खेल रहे हैं। अंकुश है सर्विसेज का जो खेल गया, बहुत अच्छी टूर्नामेंट खेली थी। अर्जुन को पिछले सीजन में आप लोगों ने देखा ही था, तो टीम पूरी कंबाइन प्रैक्टिस कर रही है, वे दोनों अच्छे हैं और अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं। सर, मैच का शुरुआत से ही कमबैक करने का कोशिश पूरा टीम से ही नहीं कर रहा, कहाँ पे गलती हुआ? जो रेडिंग में भी ज्यादा पॉइंट्स नहीं मार जाते हैं, टैकल भी इतना अच्छा नहीं होता। अपना गेम प्लान 1-2-3 पूरा फेलियर हो गया, ये अपना गलती वही था, बाकी कुछ नहीं, प्लेयर का कमी नहीं, अपना हो रहा था। 3 प्लान भी अपना सक्सेस नहीं हुआ, वो से होना टैक्टिस का आपका कैसा बता सकता। सपोज प्लेयर सक्सेस नहीं हो रहा, वो दूसरा प्लेयर की डालेंगे, दूसरा प्लेयर के भी प्लान भी बताएगा, वो भी सेम कर रहा, इसका मतलब क्या ना, प्रेशर हो गया। अब क्या ना, वो प्लेयर का बारे में सपोज कॉन्फिडेंट में आया, वो कॉन्फिडेंट नहीं मिल रहा उनका, मैं भी क्या बोल रहा, वो भी क्या समझ रहा, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है, एक दो मैच ऐसे हो सकता है। अभी आगे वाला टीम है तो थोड़ा करेक्ट करेंगे। और थोड़ा लूज टैकल्स वो आने वाला मैं पकड़ूंगा, आया तो पकड़ना पड़ेगा, वो आने वाला मैं पकड़ूंगा, ऐसा करते हैं। हाँ, एडवांस ना, जयपुर टीम हमारे मतलब बराबर की टीम थी ना, तगड़ी टीम है, तो हमने मतलब प्लानिंग तो बहुत बढ़िया बनाई थी, बट आज ये लगे हम थोड़े रेडर कम चले हैं, डिफेंस तो हमारी ठीक चली है, बाद में चलो थोड़ा मैच ऊपर नीचे हो गया ना, तो आज थोड़ी रेडरों की गलती है। हर टीम प्लानिंग बना गया थी है ना, तो वो भी प्लानिंग बना गया थे, उनकी सक्सेस होगी तो हमारी वही अनसक्सेस हुई, तो यही कारण बस। लगता है कि आपको अगला मुकाबला आसान होगा पटना के साथ? किसके साथ है? पटना पायरेट्स के साथ। पटना से तो हम कल परसों खेले हैं। नहीं नहीं, पटना नहीं, पुनेरी क्या? नो, पुनेरी नेक्स्ट वीक मैच ना, 21st पुनेरी पड़ता है। हाँ जी, पूछो भाई, कैसा होगा? बढ़िया टीम है भाई, पुनेरी पार्टनर भी, तो हम भी तैयारी करके आएंगे और बढ़िया मैच खेलेंगे,
टीम ने कोशिश करी है। वही बोलिया बढ़िया टीम है भाई उनकी, जैसे फैजल है ना, असलम है, मोइन है, तो बढ़िया टीम है उनकी भी, बट हमारी टीम भी बढ़िया, हमारी टीम को माड़ी थोड़ी है। आज का क्या ना थोड़ा रिदम थोड़ा चेंज हो गया मणिंदर का, मणिंदर का क्या प्रेशर है, पहला पॉइंट फर्स्ट रेड में मैं उनका ऑब्जर्व किया, फर्स्ट रेड वो बोनस करना वाला था वो नहीं मिला थोड़ा नजर कम हो गया उनका पास, उनका कैसे भी पॉइंट लेना चाहिए, उनका प्रेशर पॉइंट मिलना चाहिए, ऐसा हो गया। दो तीन कैच होने के बाद उनका ना टीम ऑपोजिट टीम ना सुनील है ना बहुत अच्छा प्लेयर, रिकवर बहुत सीन बहुत अच्छा खेल रहा, वो टीम भी अच्छा, वो प्लान है अपना प्लान को छोड़ दिया वो प्लान सक्सेस हो गया जयपुर पिंक पैंथर उनका, जयपुर पिंक पैंथर रियली दे प्लेड वेरी गुड गेम टुडे।